तो टुडे वी विल टॉक अबाउट जनरल थिंग ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स क्या है, ठीक है. तो लेट्स डू इंट्रोडक्शन विद द जेनेटिक्स. बेटे किसी भी मशीनरी, हमारी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक मशीनरी है, राइट. किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कुछ होना चाहिए. ऐसे ही हमारी मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, सेल्स है हमारे डिफरेंट पार्ट्स, राइट. और उन पार्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर है, हेड है. क्या है वो हेड? दैट इज न्यूक्लियस, या हम कहेंगे जेनेटिक मटीरियल. तो व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल? जेनेटिक मटीरियल विच हैज इंफॉर्मेशन, पहले बिल्कुल समझना है बेटा, विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर all the functions of cell. एक पर्टिकुलर सेल ने क्या फंक्शंस करने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? दैट इज जेनेटिक मटीरियल के पास है. विच कैन रेगुलेट all functions of cell. जिसके पास इंफॉर्मेशन भी है उन सभी फंक्शंस को फास्ट करने की, स्लो करने की, बंद करने की, स्टार्ट करने की मशीनरी भी है, रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी है. विच एक्ट्स एज hereditary information, which acts as hereditary material. बेटा जिसके पास भी regulation होती है, एक office का एक head है, ठीक है, उसको पता है office कैसे चलना है. जब वो आगे किसी को, जब किसी दूसरे head ने आना है या एक नया office खुलना है, तो वहां के head को सारी इंफॉर्मेशन पास करता है. इसी तरह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, विच एक्ट्स एज हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. It is passing from parents to offspring. क्या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला गया तो पेरेंट सेल खाली हो गया? नहीं, खाली नहीं होता. As it is passing information, therefore has the ability to replicate. Replicate means जिसके पास double होने की ability हो, ठीक है, जो double हो सकता हो, ताकि एक information दूसरे के पास pass कर दी जाए. एक copy जो है वो daughter cells के पास या offsprings के पास pass कर दी जाए. Which is stable in different conditions. जो stable हो, ये नहीं थोड़ी सी condition, थोड़ा सा हमें बुखार आया तो genetic material change हो गया, ऐसा नहीं. Which is stable in different conditions and rarely
म्यूटेट्स, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में उसमें म्यूटेशन आए, अदरवाइज वो स्टेबल है। ये जेनेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट। तो अब इनिशियली आरएनए वॉज द जेनेटिक मटीरियल। जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो जेनेटिक मटीरियल क्या था? आरएनए था। ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, जो चाहे वो इंसान है चाहे मटेरियल है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा। रिएक्शन तो दे दिया इंसान ने भी, नेचर वैसे नेचुरल चीजों में देखो कि अगर हम ज्यादा रिएक्टिव है, आपने मुझे जरा सा कुछ कहा कि मैडम कल इस टाइम नहीं, इस टाइम, और मैंने डांट दिया, क्यों नहीं, मैं पढ़ाने आ सकती हूँ, तुम क्यों नहीं आ सकते, ये। ठीक है, आपको कि मैडम तो बोलती रहती है, मैंने पढ़ना ही नहीं मैडम। ठीक है, इसलिए मैं फिर थोड़े टाइम बाद मैं सोचूंगी कि मैंने ऐसे ही कह दिया बच्चों को, इस टाइम इतना गुस्सा किया, 2 घंटे बाद क्लास ले लेते, देन व्हाट मैटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनस्टेबल नेचर है, इनस्टेबिलिटी है, राइट। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इनस्टेबल होगा। तो इनिशियली आरएनए वाज जेनेटिक, बट ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी एंड इनस्टेबिलिटी इट वॉज ओवर पावर्ड बाय डीएनए। ठीक है, धीरे धीरे डीएनए बना और डीएनए ने आरएनए को ओवर पावर कर दिया। इज इट राइट? सो दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो हम तीसरी बात क्या कहेंगे? देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट अगेन अगर हम ब्रैकेट में लिखें, हमने +1 में किया था, एक्सेप्ट वायरसेस, क्योंकि वायरसेस में कुछ भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, देन जेनेटिक ऑर्गेनेल इट इज न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स की हम बात करें, न्यूक्लियस इज द जेनेटिक ऑर्गेनेल इन विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट। हम क्या कह सकते हैं इसी के साथ ही पॉइंट है केमिकल बेसिस, अदर वर्ड्स में है केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स विच केमिकल इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर्स, दैट इज डीएनए। एंड फिजिकल बेसिस जो हमें दिखता है, हमें डीएनए तो दिखता नहीं, हमें क्या दिखता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में क्या पास हो रहा है? दैट इज या तो हमें दिखते हैं क्रोमोसोम्स, या फिर हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इज इट राइट? सो दिस इज समथिंग अबाउट जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो फटाफट। मतलब चलिए जी, तो अब हमने क्या कहा कि डीएनए, बेटे डीएनए जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ये तो मैंने छोटा सा बनाया, इट इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। देयरफॉर इट इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ
ये सब हम करेंगे कैसे? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। या पहले हम कहेंगे टू फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमेटिड, देन दिस क्रोमेटिड इट कंबाइंस विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम। दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल इज क्रोमेटिन, या चलिए अभी हम यही बात करते हैं, डीएनए इज क्रोमेटिन। फिर वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कॉइल करती है और छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कह देते हैं क्रोमेटिड, और फिर वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करती है टू फॉर्म द क्रोमोसोम, राइट? सो क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड। बहुत छोटा है, सो ये क्या है जो हमें दिख रहा है? दिस इज द क्रोमोसोम, राइट? तो अब डिफरेंस बच्चों को क्या नहीं पता चलता, इट इज कि इज दिस अ क्रोमोसोम कि ये क्रोमोसोम है, कि ये क्रोमोसोम है कि ये क्रोमोसोम है। जल्दी से बताओ कि कौन सा क्रोमोसोम है? Which of the above is a chromosome, is one chromosome? ये वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला? Yes. Second. शिवांशी ने कहा second. मयंक ने कहा second. सरगम आप? I'm first. First. भव्य आप? मैम second. Second. हरगुण आप? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। बेटे देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, सच एज नर्व सेल्स, मसल सेल्स, दे डोंट डिवाइड, कभी भी ये डिवाइड नहीं करते, ठीक है? तो इनमें दिस इज क्रोमोसोम, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, इस तरह से दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है? क्रोमोसोम उसके बाद आ जाता है बच्चे, बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है बेटा, मुझे भी बहुत टाइम तक कंफ्यूजन रही, दैट्स व्हाई आई मेक इट यू नो क्लियर कि ये चीज बच्चों को समझ आए। इन डिवाइडिंग सेल्स जीवन में ऐसा ही, मतलब अगर हम कंडेंस करें, वैसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जीवन में ऐसे ही क्रोमोसोम्स हैं। एस में
आपको पता है रेप्लिकेशन होती है एंड ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स टू फॉर्म सिस्टर क्रोमोसोम, बट एक्चुअली ऐसे दिखता नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब ये तो मैंने दिखा दिया, अदरवाइज इट इज, इसकी दूसरी कॉपी हो गई होती है बट हमें पता नहीं चलती बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इलोंगेटेड है. उसके बाद जी टू में सेम, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट्स और मेटाफेज में, मेटाफेज में मेटाफेजिक क्रोमोसोम है वो ऐसा होता है. ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो है वो ऐसा है, हाईली कंडेंस्ड, इट इज हाईली कंडेंस्ड एंड That's why it can be recognized as such, right? So metaphasic chromosome, highly condensed and thus visible. So this is chromosome, ठीक है? तो ये भी chromosome है, first वाला भी. नॉन डिवाइडिंग सेल में ऑब्वियसली ऐसा नजर नहीं आता है, थ्रेड लाइक नजर आएंगे, समझ में आई है? क्योंकि डिवीजन के टाइम ही कंडेंसेशन होती है बेटा. दिस इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मेटाफेज इन डिवाइडिंग सेल. ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं होती है एंड दिस इज पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ड्यूरिंग मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस, बट ये क्या है, पेयर है, दो क्रोमोसोम्स है. तो एक्चुअल में ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है. ये कंडीशन होती ही नहीं है, ये कंडीशन है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग यू नो ड्यूरिंग मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस, इज इट राइट? ठीक है जी. उसके बाद एक और चीज बताऊंगी और फिर आप करेंगे. या पहले ये करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम इनमें क्या डिफरेंस है, पहले आप ये लिखिए और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है. पहले कर लो ये, इसको डीएनए लिख लेना, राइट? क्रोमेटिन मत लिखना क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, तो राइट डाउन इट इट एज डीएनए. बेटा आप ये देखो कि सेल कितना छोटा है ना, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, राइट? सेल कितने छोटे हैं और सेल से भी बहुत छोटा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स पड़े हैं और हर क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन है, राइट? और हर न्यूक्लियस में 30,000 जीन्स है. यू कैन वेल इमेजिन कि भी अगर हम 30,000 जो सैंड के ग्रेन्स भी इकट्ठे करें तब भी उनका साइज न्यूक्लियस से काफी बड़ा हो जाएगा. बट इन नेचर देयर इज ए हाई प्रेसिजन. इंसान उसकी कॉपी तो कर सकता है, शायद डीएनए बनाना सीख गया, उसकी कॉपी कर ली है, बट जनरेट नहीं कर सकता कोई नई चीज, राइट? इट्स ओनली नेचर जिसमें इतनी प्रिसिजन है, राइट? तो अब हम बताते हैं कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या फर्क है.
डीएनए जो है इट कंबाइंस विद पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म, हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, शॉर्टर देन डीएनए, ठीक है। इस तरह से ये चेन बन जाएगी, यहां पे कॉइलिंग हो रही है जहां पे मैंने न्यूक्लियोसोम्स बनाए या जहां पे ये मैंने डार्क किया, राइट। ये भी बहुत बड़ा है, अभी दिस इज फर्दर कॉइल्ड, ये दिख रहा है इतना बड़ा डायमीटर, होता नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सोलिनोइड, है ना, ये भी दिखता नहीं है हमें। उसके बाद फर्दर कॉइलिंग टू फॉर्म क्रोमेटिन, जो हमारे सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, दे हैव क्रोमेटिन, ठीक है। ईच क्रोमेटिन हैज वन डीएनए, वन डीएनए मॉलिक्यूल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, क्रोमेटिन इन ईच सेल, डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन। क्रोमोसोम हम कह देते हैं बट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन फेज में फर्दर कॉइलिंग एंड पहले क्या, डिवीजन फेज में पहले हुई रेप्लिकेशन एंड फर्दर कॉइलिंग। रेप्लिकेशन मीन हर डीएनए डबल हो गया टू फॉर्म This is one chromosome having, हमने क्रोमोसोम कह दिया है बट इट इज वन क्रोमोसोम हैविंग टू डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग से और टू क्रोमेटिन, ठीक है जी। और यू कैन से टू क्रोमेटिन टू डीएनए मॉलिक्यूल, या यहां पे हम कह देंगे क्रोमेटिड्स। फर्दर कॉइलिंग के बाद क्या बना, क्रोमेटिड बना, बट डिवीजन फेज है तो हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होंगे। फिर कंडेंसेशन कॉन्टिन्यूज, resulting in formation of this is actually chromosome, metaphasic chromosome अगर हम proper देखें तो this is metaphasic chromosome, ठीक है।
तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम में क्या फर्क है? सिर्फ कॉइलिंग का फर्क है. क्रोमेटिन इज लेस कॉइल्ड एंड दस इट इज यू नो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्रोमेटिड मोर कॉइल्ड देन क्रोमेटिन, वेयर एज क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड एंड हाईली कंडक्स. इज इट ओके? समझ में आई? जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है वहां पे क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? क्रोमेटिन. क्योंकि क्रोमोसोम एक जनरल बात हम ले लेते हैं, वहां पे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन की फॉर्म में है. डिवाइडिंग सेल में इस फॉर्म में क्रोमोसोम आ जाते हैं. ये बहुत ही क्लियर, ठीक है? अदरवाइज क्रोमेटिन, क्रोमेटेड एंड क्रोमोसोम में क्या फर्क है? इनकी थिकनेस में, क्योंकि इनकी लेंथ में फर्क होगा, इनकी थिकनेस में फर्क होगा. जो क्रोमेटिन है उसकी जो डायामीटर है दैट इज 300, यहां लिख लेना ऊपर, डायामीटर 300 नैनोमीटर. डीएनए का डायामीटर कितना होता है? 20 नैनोमीटर. क्रोमेटेड का है इट इज 700 नैनोमीटर एंड क्रोमोसोम का है 1400 नैनोमीटर. जैसे जैसे डायामीटर बढ़ता जाएगा लेंथ कम हो जाएगी, डिस्टिंक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी. इज इट ओके? लिख लो फटाफट से. ये देखना 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर, ये है डायमीटर. डीएनए का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम. 20 नैनोमीटर नहीं, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर. तो दोबारा से मैं बताती हूँ, इन सिंपल अगर हम कहें तो डीएनए मॉलिक्यूल वेरी लॉन्ग, जैसे भी कॉइलिंग हो रही है क्रोमेटिन बनता है. हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटीरियल. जब डिवीजन हो रही हो तो ये क्रोमेटिन कॉइल करता है टू फॉर्म क्रोमेटिड, क्रोमेटिड फर्दर कॉइल करता है टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है? तो सब में क्या फर्क है? सिर्फ साइज में फर्क है और कुछ फर्क नहीं. ओके? तो अब हम सिंपल, ये नहीं कि हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो मेटाफेज डिवाइडिंग सेल की, नहीं, हम इन जनरल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं. Then there are some terms such as genome. One set of chromosomes having all genes, that is called as genome. Let us say organism has, let us say it has 4 chromosomes. मैं तुम्हें इसलिए ये ऐसे नहीं नजर आएंगे सेल में, सेल में थ्रेड लाइक नजर आएंगे क्योंकि क्रोमेटिन की फॉर्म में है. बट हम आपको कि भाई तो दिस इज वन सेल. अगर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, इफ ईच क्रोमोसोम, अगेन ये ऐसे नजर नहीं आएंगे, बिखरे हुए नजर आएंगे थ्रेड लाइक, बट सिर्फ समझाने के लिए आपको,
हर क्रोमोसोम की टू कॉपीज है, इट मीन्स ईच क्रोमोसोम टू कॉपीज, तो क्या है, टू जीनोम्स है, देयर आर टू जीनोम्स। और अगर दो जीनोम्स है तो हम इसको कहते हैं डिप्लॉयड, डायप्लॉयड, दैट इज 2n। दिस इज इफ वन जीनोम, इसको हम कहते हैं मोनोप्लॉयड, हैप्लॉयड नहीं, मोनोप्लॉयड, एंड इट इज n। अगर लेट अस से इफ ईच जीनोम हैज थ्री कॉपीज, जितने भी क्रोमोसोम्स है लेट अस से इतने ही है, थ्री जीनोम्स है, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिप्लॉयड या थ्री है। इसी तरह फोर कॉपीज है, फाइव कॉपीज है, दैट इज ए सेपरेट इशू, ठीक है। तो टेट्राप्लॉयड 4n, पेंटाप्लॉयड 5n, हेक्साप्लॉयड 6n, etc. Right? So this is ploidy level. So what is ploidy of a cell? So hum kya kahenge? Number of genomes in the न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। व्हाट इज एन, ध्यान से मेरी बात सुनो पहले, व्हाट इज एन, एन है, यहां देखिए ये एन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट या इन वन जीनोम, that is n, right? And this is also called as basic chromosome number. उसके बाद आ जाता है, इधर ध्यान से देखो, next आ जाता है haploid, haploid का मतलब है half the number of genomes, genomes का आधा number, is measured in cells having even ploidy. इसका मतलब है 3n है, 3n का हैप्लॉयड हो ही नहीं सकता, 1.5 थोड़ी होगा, मतलब 1 जीनोम हो गया 1 जीनोम, और जो आगे बचेंगे क्रोमोसोम्स या n है उसको आधा थोड़ी करेंगे, आधे इधर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इवन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तभी उनकी हैप्लॉयडी हो सकती है। देयरफॉर अगर यहां पे है ploidy level है 2n, haploid condition क्या होगी, it is n, ploidy है 4n, haploidy कितनी होगी 2n, ploidy है 6n, haploidy होगी 3n। क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि बहुत सारे या मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड है, तो हम उनकी हैप्लॉयडी
या मोनोप्लॉयडी हम क्या ले लेते हैं, हम किसी भी, हम कहेंगे इस ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं, तो हम आधे कर देते हैं, एन ले लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड, तो हम जनरली उनके लिए मोनोप्लॉयड और हैप्लॉयड सेम ले लेते हैं, बट अदरवाइज एन इज मोनोप्लॉयड, बट यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उनका मोनोप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर सेम है, राइट, हैप्लॉयडी ये चीज, ओके समझ में आई, करो ये जरा जल्दी। तो हम अगर ये बात करें कि यहां पे प्लॉयडी, फिर हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर या हैप्लॉयडी एंड मोनोप्लॉयडी, अगर ये है 2n इज इक्वल टू 12, 4n इज इक्वल टू 12 एंड 6n इज इक्वल टू 12। अब बताओ हैप्लॉयडी और मोनोप्लॉयडी क्या होगी, ये आपका काम है, पहले आप ये बताओ फिर हम आगे चलते, पहले लिख लो। अब आप मुझे बताओगे 8n इज इक्वल टू लेट अस से 24, हाँ जी हरगुण, हैप्लॉयडी कितनी है? मैम 4n इज इक्वल टू 12, 4n इज इक्वल टू 12 एंड मोनोप्लॉयडी? मैम n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, हाँ जी मयंक आप बताइए 10n इज इक्वल टू 50, हैप्लॉयडी? मैम 5n इज इक्वल टू 25, 5n is equal to 25 and monoploidy? N is equal to 5. N is equal to 5. मतलब एक जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स है? 5 है, ठीक है, उसके बाद आते, इज इट ओके? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड, सो देयर हैप्लॉयडी इज synonym with monoploidy, am I right? बाकी सब में haploidy and monoploidy अलग है, ये जो diploid cells है उनमें haploidy and monoploidy same है and most of the organisms are diploid. तो इसलिए जब हम उसमें monoploid की बात ही नहीं करते हैं diploid organisms में, उसमें हमेशा हम haploid की ही बात करते हैं, is it okay? ठीक है जी, तो आज हम यहाँ तक करेंगे, कल हम और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले आपने क्या करना है, आज आपने माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ के आने, ओके okay?